क्या आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, आज का ये सेशन काफी स्पेशल है। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू सीरीज इंटरेक्शन विद यूट्यूबर्स में, जहां हम उनकी जर्नी, लर्निंग्स एंड बाकी सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट प्रसाद है, जिन्हें हम सभी कन्वे बाई फिनोवेशंस की यूट्यूब चैनल से जानते हैं। कन्वे बाई फिनोवेशंस स्टॉक मार्केट, बिजनेस एंड फाइनेंस पर वीडियोस बनाती है एंड इनकी चैनल में अभी 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप बता सकते कि आप यूट्यूबर बनने से पहले क्या करते थे, आपका कैसा जर्नी था? YouTube बनने से पहले जर्नी देखो, मैं तो इंजीनियरिंग करने आया था। तो 10th के बाद मैंने सबसे पहले डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग का, VJTI से, मुंबई, जो माटुंगा मुंबई में आता है। उसके बाद जैसे 10th में से मैं डिप्लोमा में गया इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में, तभी मुझे पहले भी नहीं पता चल गया कि दिस इज नॉट फॉर मी। इट वॉज वेरी क्लियर, मुझे कुछ आ नहीं रहा था। तो मतलब आई विल जस्ट टेल यू कि 10th में मुझे 90% मिले थे, और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया डिप्लोमा के लिए, आई गॉट 57% विथ 2 कंडोलेंसेज। यानी दो सब्जेक्ट में वो एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास किया जाता है, उसे कंडोलेंसेज कहते हैं, जो पहले होता था रूल। तो उस तरह से मैं पास हुआ। तो मुझे तो आइडिया आ गई थी पहले दिन ही कि ये जो सिखा रहे हैं वो कुछ मतलब अलग ही है। जो एक तो समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है समझने में। तो दोनों चीज, पहली चीज तो ये पता चल गई, जो कि बहुत अच्छी थी, कि क्या नहीं करना ये तो पक्का था लाइफ में। आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि फिर करना क्या है, राइट। तो शाम को जैसे ही होता है, आई वुड जस्ट प्ले क्रिकेट इधर उधर। तो बाकी नॉर्मल जैसे चलता है, सभी वैसे ही चलता था। और फिर एग्जाम के टाइम आते थे तो बस बुक लेके बैठना है, और फिर लास्ट टाइम में पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं। दैट वाज माय गोल। बाकी 4 महीने आराम करो, लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई करके मार्क्स लाओ। तो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, तो जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते थे उसमें भी मैं बस ऐसे ही जाके बैठता था, टाइम पास करता था, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं थी। बट एक चीज जो मुझे हमेशा हेल्पफुल रही है कि आई वॉज एन अवीड रीडर, आई एम स्टिल। तो उसमें पढ़ते पढ़ते मुझे कई सारी चीजों को मैं एक्सप्लोर करता चला गया। जब भी मैं खाली बैठा था तो कुछ ना कुछ लेके पढ़ लूँ, तो हॉस्टल में बैठ के न्यूज़पेपर्स पढ़ लो, ये पढ़ लो। तो एक दिन आई रेड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ डिप्लोमा। तो मुझे लगा कि यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और मुझे काफी इंटरेस्ट भी आने लगा उसमें कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, ये डेट क्या होता है, ये इक्विटीज क्या होती है। मुझे नहीं पता था किसी का भी मतलब। तो धीरे धीरे वो पता करना शुरू किया। तो उस टाइम क्या है कि 2011-12 की बात है, उस टाइम कोई YouTube पर सर्च करने के बाद बताने वाले कोई नहीं थे, गूगल पर भी इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, और गूगल करना भी एक टास्क था। 2G का जमाना था, मतलब एक वेब पेज भी लोड करना तो मैं हॉस्टल में से बाहर हाथ करना था, और फिर वो पेज लोड होता था। वो कंडीशन थे, और मेरे पास तो वो भी फोन नहीं था जिसमें कुछ चल सके। नॉर्मल सा फोन था, डब्बा, जिसमें बस नॉर्मल कॉलिंग, SMS उतना ही। तो मेरा एक दोस्त था जो मुझे 30 मिनट्स के लिए फोन देता था उसका, कि उसमें इंटरनेट भी था, सब कुछ था, और तुझे जो करना है वो कर ले। बट स्टिल उतना कुछ हो नहीं पाता था। तो फिर मुंबई में अगर आप फोर्ट की तरफ जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, तो आपको कई सारी बुक्स बुक्स मिल जाती है, मैगजीन्स मिल जाती है सेकंड हैंड। तो वो मैंने खरीदना शुरू किया, और जो भी बजट मिलता था घर से, इतने इतने रुपए मिल गए, तो उसमें से 400-500 रुपये बचा के पढ़ लिए। तो पीटर लिंच की बुक्स पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट आने लगा कि चलो यार सही है। तो इसी तरह का मेरा जो नॉर्मल लाइफ था वो इसी तरह का था, कि आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स अ लॉट। कि मुझे तो शुरुआत के 2-3 साल मिले नहीं, बट एज अ स्टूडेंट लाइफ आई एंजॉयड लॉट। आई प्लेड क्रिकेट अ लॉट, आई प्लेड चेस अ लॉट। तो इन्हीं चीजों में ज्यादा टाइम चला गया। जब मैं इंजीनियरिंग में आया पुणे में, तो इंजीनियरिंग में मैंने मतलब मुझे क्लियर था कि अब ये तो करना नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू स्टार्टअप्स विच आर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस, थोड़े अलग अलग फील्ड के थे। तो उन पर मैंने काम किया, दे डिडंट वर्क आउट। और उसके बाद फिर लगा कि जिस तरह से, मतलब 2014 की जनवरी में मैंने पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पर, और उसे डालने के बाद फिर मैं भूल गया था, लेकिन मैंने अपने 2-4 दोस्तों को बताया था कि देखो ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है और ऐसे डाल दिया है। तो उन्होंने भी देख लिया, मैंने देख लिया, फिर भूल गए। फिर 1 महीने बाद देखा तो उसमें कई सारे कमेंट्स थे, उसमें 14,000 व्यूज थे, जो कि उस टाइम मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि यार 14,000 व्यूज आ गए, तो कमाल की बात। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सक्राइबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्यूज, राइट। तो 14,000 व्यूज बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी। लोगों ने फिर
लोगों का प्यार भी साथ में मिला कि आप फाइनेंस ये कवर कीजिए, वो कवर कीजिए, फिर वो करना शुरू किया, एंड दैट वाज अबाउट माय इंजीनियरिंग लाइफ ओवरऑल। या काफी इंस्पायरिंग जर्नी रहा आपका। काफी उस समय दिक्कत होता था जब 2G ये सब का जमाना था, जियो से पहले, तब एक एक छोटा छोटा पेज खोलने के लिए काफी समय लगता था। वीडियो बनाना तो मतलब काफी मुश्किल था। और सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से रिलेट कर सके थे आपसे, आपके एक्सपीरियंसेस से, कि सभी कोई को मतलब अधिकतर लोगों को बोरिंग लगता है और सब लास्ट में ही यूजुअली मतलब पढ़ते हैं। तो मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करियर बनाना काफी अच्छा डिसीजन है। तो इंडिया में क्या है कि आप पहले इंजीनियरिंग करते हो और फिर डिसाइड करते हो करना क्या है जिंदगी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ तो यही होता है, क्योंकि उनको एकदम जब 10th 12th में होते तो अब तो बहुत ही कम लोग रहेंगे जिनको आइडिया होती है, क्लैरिटी रहती है कि करना क्या है। तो ज्यादातर लोग जो है फ्लो में चलते जाते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या करना है, एंड दैट इज वाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज जरूरी नहीं और उतनी इंजीनियरिंग की जरूरत भी नहीं इंडिया को। सारे के सारे इंजीनियर्स अगर वही चीजें करते रहेंगे, ग्रेजुएशन करते रहेंगे, तो आई थिंक उतनी जॉब्स भी नहीं है मार्केट में। तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लोगों को अलग तरीके भी निकालने पड़ेंगे। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है। अब क्योंकि ज्यादातर इंडिया के बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। सो दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट कि तो आप इससे पहले और भी कुछ कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किए थे कन्वे से पहले, तो उसके बारे में आपका क्या लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस था? मेरी लर्निंग्स ये थी कि एक तो मैंने fashionico.com शुरू किया था, जो कि एक फैशन पोर्टल था जो डिस्काउंट्स के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करता था। और इन दोनों स्टार्टअप मैंने उसके लिए एक डेवलपर हायर किया था जो कि घाटकोपर से था। उस टाइम आई यूज टू वर्क इन अ कॉल सेंटर हियर इन पुणे, पुणे के बानेर में। और वहां से जो भी मेरी पार्ट टाइम मतलब कॉलेज के बाद में कॉल सेंटर में जाता था, और उसके बाद जो भी पैसा आता था दैट आई इन्वेस्टेड इन हियर fashionico.com में। तो एक डेवलपर हमने हायर किया था घाटकोपर से। फर्स्ट सेड की ठीक है 10,000 में वेबसाइट बना लूंगा, 5-10 हज़ार रुपये में, एंड देन 10,000 रुपये मैंने उसको दे दिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे और मतलब आई टोल्ड हिम कि आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, तो आप ये चेंजेस करो। और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि यू नो यूआई यूएक्स भी कुछ होता है। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक कि सीधा वेबसाइट बना लो और उनको बता दो और वो बना देंगे, बट दैट्स नॉट द फ्लो। ठीक है, उस टाइम पता नहीं था। तो उस टाइम मैंने कर लिया तो हर एक चेंजेस पे 5-5 हज़ार रुपये मांगने लगे कि ये चेंज करना है 5,000 लग, जबकि उन्होंने बोला कि वेबसाइट में 10,000 में बना के दूंगा और एनुअल मेंटेनेंस दूंगा 5,000 का। तो हर चेंजेस के लिए 5,000। मैंने बोला यार पहले तो यहाँ पर मतलब पैसा नहीं है, कैसे तैसे जुगाड़ करके आपको पैसा ला के दे रहे हो, फिर हर बार आप 5-5 हज़ार बोलेंगे तो फिर दूंगा कहाँ से। तो उन्होंने वही जिद लगा के रखी कि चेंज का 5,000 लगेगा, उसका 5,000 लगेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो आई हैड टू गिव अप ऑन दैट यू नो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द मनी। और फिर हमने छोड़ा तो एक लेसन, ये इम्पोर्टेंट लेसन की समझ में आया कि आप कुछ भी काम करो इंडिया में, अगर आपका टेक से थोड़ा भी नाता है या बिजनेस का टेक से थोड़ा भी लेना देना है, तो गो फॉर स्ट्रांग टेकेज। टेक पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और आप ऐसे ही आउटसोर्स नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को कि मैंने किसी को दे दिया ये दे दिया। इफ यू आर लुकिंग टू परफेक्ट इट और बेटर बनाना है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कोडिंग सीखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट का फ्लो आपके कैसा होना चाहिए, फंक्शनलिटीज कैसी होनी चाहिए। और कोई ऐप आप बना रहे हो तो उसमें मतलब यूआई से लेकर बाकी चीजें वो आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज ये कुछ सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी। तो एक तो चीज थी कि अच्छी टेक टीम बनाना, जो भी मैं काम करूंगा नेक्स्ट टाइम मुझे एक अच्छी टेक टीम बनानी है, वो एक इम्पोर्टेंट लेसन था। और उसके साथ जो फर्स्ट और सेकंड स्टार्टअप करने के बाद जो दूसरा लेसन मेरे लिए था वो ये था कि मैंने कुछ ऐसे फील्ड में स्टार्टअप शुरू किए थे जिसके बारे में पैशनेट नहीं था। आई स्टार्टेड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो चलो करते, बिकॉज वो थी जुनून रहता है वो, व्हेन यू आर वेरी यंग एक जुनून रहती है, एक एनर्जी रहती है आप में। तो उसी जुनून के साथ शुरू तो किया बट इट डिडेंट गो एनीवेयर, कहीं पे वो डायरेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो बाद में मुझे ये पता चला कि आपको वही चीज में कुछ करना चाहिए जिसमें आप बोर नहीं होंगे कहीं पर। आपको मतलब कभी भी मतलब रात के 12 बजे भी आपको बोला जाए कि उसमें काम है तो आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो ऐसा कोई काम आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो मेरे लिए फाइनेंस थी, बिकॉज फाइनेंस का यूट्यूब चैनल, देखिए मैंने जब चैनल शुरू किया तो मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं थी, देयर वाज नो यूट्यूब मोनेटाइजेशन, कुछ पैसा कमाने का तरीका नहीं था। बट आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग मतलब फाइनेंस तो मजा ही आता था। मतलब एमबीए में जब मैं गया, हालांकि मैंने वहां से ड्रॉप आउट कर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रेजेंटेशन दिए, व्हेन एवरीवन वाज फियरफुल कि अरे यार प्रेजेंटेशन देना है कैसे होगा क्या होगा, तो फॉर आई ऑलवेज एंजॉयड।
मुझे प्रेजेंटेशन मतलब आज ऑलवेज एक्साइटेड कि चलो मौका मिलेगा स्टेज पर जाने का, कुछ एक्सप्लेन करने का, बातें करने का। और उसी तरह से जो जब भी फाइनेंस टॉपिक मुझे मिले एक्सप्लेन करने, तो बड़े इंटरेस्ट के साथ मैंने हमेशा मतलब आई नेवर डिपेंडेंट, आई वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पीपीटीज। मैंने पीपीटी कभी यूज ही नहीं की। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि जाके मैंने बोर्ड पे बता दिया, चॉक ले लिया और उनको सारा जो भी टॉपिक है जो भी चीजें समझा दी। तो इट वॉज लाइक मुझे लगता है कि थोड़ी इनबिल्ट ही थी कि सिखाने में मजा आता था, और जो बाकी लोग थे क्लासमेट्स उनका भी, उन्होंने भी कहा कि मजा भी आ रहा है। और यूट्यूब में जब मैंने स्टार्ट किया जस्ट एज अ हॉबी कि चलो फाइनेंस सिखाते हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी कुछ इस तरह का आया कि उन्हें भी मजा आ रहा था कि यार कुछ तो भी इंटरेस्टिंग सिखा रहे सिखा रहे। पहले 2-3 साल में हालांकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी भी बनाई रखनी पड़ती है आपको। ये गिव अप नहीं करना है, अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं, आपको लगता है कि यू आर डूइंग ग्रेट, तो उसमें आपको बने रहना है। तो बने बने रहते चले गए, वहां पे हमने काफी कुछ काम किया। तो 2-3 साल बाद जब जियो आया 2017, तब जाके एक्चुअली रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। तो 2-3 साल तो बड़े स्लगिश थे, बट आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर कि वहां से कुछ पैसा ही आना चाहिए या फिर एक तुरंत आउटपुट ही आना चाहिए। वो कोई डिपेंडेंसी मेरी थी नहीं, स्टार्टेड एज हॉबी, तो कोई प्रेशर भी नहीं था। एंड एज फार एज द मनी इज कंसर्न, तो मैंने ज्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं किया था। एक मेरा फोन था जो नोकिया लुमिया मैंने लिया था रिसेंटली, उस टाइम करीब 5,500 रुपए में। तो उसको बस ऐसे सामने रखता था मैं, उससे ऑडियो रिकॉर्ड करता था। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक एडिटर था, सबसे पहला वीडियो बनाया कि उसको एडिटर को मैंने 100 रुपए दिए थे। सो इट वॉज ऑलवेज लाइक कि मिनिमम कॉस्ट में क्या होता हो सके वो बनाया, और वो बना के बस अपलोड किया। उसके अगले वाले जो वीडियोस थे उसमें थोड़ी और कॉस्ट लगी, बट उसमें फाइनेंशियल रेशोज मैंने समझाए लोगों को, सबको वो भी पसंद आए। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट था। मतलब आपको बता दूं कि कुछ वीडियोस हमने रात को 3-3 बजे रिकॉर्ड किए, बिकॉज हमें एडिटिंग आती नहीं थी। तो कुत्ते वगैरह भौंकते थे 10-11 बजे, तो फिर 2-3 बजे सब शांत हो जाता है, ना गाड़ियों की आवाज है ना कुछ है। तो 2-3 बजे आराम से, फिर भी यू नो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही जाती थी, लेकिन फिर भी अच्छे से हम कर लेते थे। तो 3 बजे फिर शूटिंग वगैरह कर ली, तो मैं सिर्फ उसके लिए नासिक ट्रैवल करता था जस्ट टू रिकॉर्ड माई वीडियो, बिकॉज वो जो मेरा दोस्त था जिसकी मदद से हम वो सब बनाते थे, वो नासिक में रहता था। तो इस तरह से हमने चीजें की, आना जाना रहता था सिर्फ उस चीज के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, जिसका मतलब मुझे भी पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ओनली थिंग ऑफ दैट कि पीपल आर हैप्पी, लोगों को पसंद आ रहा था, और बस मुझे वही चीज चाहिए थी। मैं आपको बता दूं कि तब भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता था, आज भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मुझे उस चीज में बड़ा मजा आता है, जैसे वीडियो लाइव जाता है मैं अगले 30-45 मिनट्स वही करता रहता हूँ, जस्ट चेकिंग द कमेंट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। अब इतने सारे कमेंट्स आते तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, मैंने ट्राई कर लेता हूँ फटाफट देख के कि ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। तो वहां से फीडबैक से भी एक इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन मुझे मजा तो हमेशा इसी चीज से आया है कि जो भी मैंने लोगों को प्रोवाइड किया है, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली को वीडियोज प्रोवाइड किए हैं, अगर उनको मजा आ रहा है, उन्होंने कुछ अच्छा कहा उसके बारे में, तो उस तरह की चीजें मैंने ज्यादा से ज्यादा डाली। अगर उन्होंने कुछ बोला कि ये नो सही नहीं है टॉपिक या जो भी है मजा नहीं आया, सो वी ऑलवेज वर्कड ऑन इट। तो इट वॉज ऑलवेज बिटवीन अस, बिटवीन मी एंड आवर यूट्यूब फैमिली, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स फैमिली है उनके बीच ही रहा है। जो भी है यू नो, जो भी अदर चीजें आई है, चाहे वो मनी हो बाकी चीजें हो, ऑफकोर्स आज हमारी मतलब टीम है, यूट्यूब टीम है, जिसमें एडिटिंग के लिए काफी को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बाकी कई सारी चीजों के लिए एफर्ट्स डालते रहते हैं। बट स्टिल हमारा एक ही गोल यही रहता है कि कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, और हमारी जो नो फैमिली है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की, उनको क्या कुछ हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश भी यही रहती है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नए फैक्ट्स तो जरूर पता चलेंगे, बिकॉज वो सारे एफर्ट्स जाते हैं, जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं तो हम वीडियो ही नहीं बनाते। कई सारी स्क्रिप्ट हमारी बन के रेडी है, साइड में पड़ जाती जस्ट बिकॉज की वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। सो वी डोंट पुट वीडियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग, कि वीडियो डालने हैं तो डालने हैं, हफ्ते में इतने डालने तो नहीं। इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी आई मजा आया तो डालेंगे, नहीं मजा आया तो नहीं डालेंगे। मतलब आज की बात है, टुडे इज 19th of July, आज हमारा जो वीडियो जाने वाला था वो था फिजिक्स वाला की बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो भी हमारा रिसर्च हुआ है, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, आवर टीम वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, हमने अगेन उस पर रिसर्च करना शुरू किया और डिटेल। मतलब एक दिन डिले हो गया, बट बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड वी डिडंट गो विद इट। तो बनाने के लिए हम बनाते ही नहीं है। इट्स ऑलवेज अबाउट कि जहां तक यूट्यूब की बात है तो मुझे बस मजा आता है, हमारी टीम को भी मजा आता है, वो भी कमेंट पढ़ते रहते हैं, हम भी पागलों की तरह कमेंट पढ़ते रहते हैं। उन्होंने कुछ चार अच्छी बातें बोल दी तो मजा आता है, उन्होंने दो गलत बातें बोल दी तो उस फीडबैक से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बस यही है। और यस आपने कई सारी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर की, जैसे कि पेशेंस, पीपल्स फर्स्ट, क्वालिटी फर्स्ट, देन अंडरस्टैंडिंग दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी कस्टमर्स, एंड और भी कई सारी, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज,
और ये काफी जरूरी है कि लोग से वीडियो इसलिए नहीं डाले कि उन्हें बस डालना है हर दिन या एक फिक्स्ड ट्रैक मेंटेन करना है, बट काफी अच्छा से रिसर्च करके डाले ताकि कस्टमर्स को अच्छा लगे। तो आप कुछ और बता सकते हैं अपनी कंपनी कन्वे बाय फिनोवेशंस और इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में? श्योर। तो यहाँ पर देखिए, मेरा कहना है कि मेरा शुरुआत से गोल था प्रोडक्ट बनाना। कभी भी दिस यूट्यूब थिंग इज लाइक मोर ऑफ टीचिंग थिंग। यूट्यूब तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, बट टीचिंग वॉज माई हॉबी। मेरी कई सारी हॉबीज हैं जिन्हें मैं परस्यू करता रहता हूँ। आई डू सिंगिंग रेगुलर, ऐसे ही मेरे लिए, और ऐसे और भी कई सारी हॉबीज हैं जो मैं रखता हूँ अपने पास। और टीचिंग उसमें से एक थी जो यूट्यूब की वजह से चल गई, बिकॉज देयर वाज अ प्लेटफॉर्म वी गॉट एंड कुछ वीडियोस भी चल गए और उसकी वजह से वहाँ पे रिस्पॉन्स भी आया। बट हमेशा यही था कि जो भी दो हमने स्टार्टअप शुरू किए तो वहाँ पर भी हम प्रोडक्ट ही बिल्ड कर रहे थे जो फेल हो गए थे, और उनसे प्रोडक्ट बिल्डिंग के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आए। और उसके बाद हमने एक ऐप बनाया था इन्फोवेशन इन 2019, इट फेल्ड। हमारे फेल्यूर्स बहुत ज्यादा है, जो भी कुछ चीजें दिखती है लोगों को वो बहुत ही फ्यू है, जस्ट वेरी फ्यू, राइट? सो यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ देम। तो उसके बाद फिर हमने ऐप इकोसिस्टम पर काम करना शुरू किया इसी साल, मतलब अक्टूबर में हमने बनाया उसे। तो 4 से 5 दिन में हमने टारगेट रखा था उसे बनाने का, ऐप को हमने बना के रेडी भी किया, उस पर कंटिन्यूस डेवलपमेंट शुरू है। तो कन्वे ऐप हमने लॉन्च किया, सो वी आर बिल्डिंग एन ऐप इकोसिस्टम फॉर इंडिया, जहाँ पर हम इंडिया के इन्वेस्टमेंट फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और फ्री ऐप्स, दैट इज द फोकस। जो भी ऐप्स हम बना रहे हम फ्री बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो हमारे पास जो हमारी फैमिली है वो ऑलरेडी कंज्यूम कर सके, और उनकी प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो वी लॉन्च्ड कन्वे ऐप, जहाँ पर कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टॉक तो खरीद लिया लेकिन स्टॉक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिस हो गई, और फिर बाद में उनको पता चली कि अच्छा यहाँ पर तो ये हो गया, और फिर जब तक पता चल गया तब स्टॉक प्राइस कहीं के कहीं चली गई। तो कई सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कब कौन सा आईपीओ आ रहा है, कब कौन सा आईपीओ खुल रहा है, तो उसके लिए अपडेटेड कहाँ से रहे। तो एक ही प्लेटफॉर्म ने बनाया कंधे ऐप, जहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है डेली बेसिस पर, आपको बस 5 मिनट भी आप दोगे तो आप ओवरऑल पूरे फाइनेंस से अपडेट हो जाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो उससे हमने लाया, और लॉन्च करने के मतलब 5 6 महीने में इट हैज गॉट मोर देन 70,000 डाउनलोड्स विदाउट इवन मच पुशिंग इट। तो उस तरह से रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है, सबको पसंद भी आ रहा है, लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं वहाँ पर। सो इट इट मोटिवेट्स अगेन कि चलो प्रोडक्ट बनाया है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सम B2B बिजनेसेस, जो पर्टिकुलरली बिजनेसेस को सर्व करते हैं, जहाँ पर जिसमें से एक है टेक ऑफ। टेक ऑफ इज अ B2B म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी जो बिजनेस है इंडिया का, वो म्यूचुअल फंड में बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? एंड देन देर इज अ कन्वे कनेक्ट। कन्वे कनेक्ट इज आवर अनदर वेंचर वेयर इन वी हेल्प स्टार्टअप रेजिंग द फंड, मतलब स्टार्टअप को जिस भी स्टार्टअप को फंड रेज करना है वो कन्वे कनेक्ट हेल्प कर देता है उनको सारी चीजों में। सो वी एक्ट लाइक अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द स्टार्टअप, उनको ओवरऑल सारी जो चीजें हैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब चीजें कुछ हम कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत हमारी क्रिएटर इकोनॉमी में प्रेजेंस है, तो बस यही कुछ कर रहे हाँ, काफी अच्छा लगा ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में जान के। पर्सनली मैं भी आपका कन्वे ऐप यूज करता हूँ डेली अपडेट्स के लिए, और काफी अमेजिंग वर्क वो है। और साथ ही आपका लिंक्डइन का पोस्ट भी काफी नॉलेजेबल रहता है। लगभग हर कुछ दिन में आप कई सारी अच्छी एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और काफी लोग मेरे ख्याल से ये गलती करते हैं कि वो किसी की भी जर्नी को देखते तो बस उन्हें लगता है कि इनका ओवरनाइट सक्सेस हो गया, बस इनका देखो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया, पर उसके पीछे का जो इतना लॉन्ग इयर्स ऑफ स्ट्रगल रहता है वो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते कि वो सक्सेस के पीछे का असली रीजन क्या था। एक्चुअली होता ये है कि मतलब अगर आप करंट जनरेशन को देखते हैं, जिसे जेन जी कहते हैं, जनरेशन जी, तो इस जनरेशन का फोकस ये है कि सब कुछ क्विकली चाहिए, आपको हाँ रिटर्न्स भी क्विकली चाहिए, पैसा भी क्विकली चाहिए। मैं रिसेंटली एक डेटा देख रहा था कि 1996 से अब तक जो डीमैट अकाउंट इंडिया में खुले हैं वो है 9 करोड़, और जो ड्रीम इलेवन में अकाउंट खुले हैं वो है 11 करोड़, राइट? सिंपल सी बात है कि स्टॉक मार्केट ने कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न भी दिए पिछले 25 साल का, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो अगर आप सिंपली इंडेक्स फंड में पैसा डालते, दिमाग लगाना नहीं है, सेंसेक्स इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी में भी पैसा इन्वेस्ट करते तो भी आपको 13-14% के कंपाउंडेड सालाना इंटरेस्ट मिलता, जो कि FD से लगभग डबल है, राइट? और बाकी किसी भी जो भी रिटर्न है उससे कंपेरेटिवली बहुत बेहतर है।
तो ऐसे में लोगों का यही है कि लोगों को लॉन्ग टर्म सोचना भी नहीं है और लॉन्ग टर्म कुछ करना भी नहीं है। इफ यू थिंक यू नो, जो मैं देखता हूँ जो बड़ी कंपनी थी जो बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और जो नहीं होती, उसमें एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। कुछ लोग होते हैं जो सालों तक सोचते हैं, 10 साल का प्लान ये है, 15 साल का ये है, और इस तरह से ये जाना है। तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म वाले लोग जीतते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में सोचने का कोई होता ही नहीं है। तो वो जो लॉन्ग टर्म वाला जो होराइजोन है वो खाली पड़ा है, वहां पे कोई सोचने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं है। सिमिलर चीज यहाँ पर हर किसी को क्या है कि रातों रात करोड़पति अमीर बनना है, हर किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसको बस अगले महीने क्रिकेटर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है तो बस 2 महीने में उसको बहुत सक्सेसफुल बनना है। ऐसी रेयर सक्सेस स्टोरीज भी होती है, बट दे आर वेरी वेरी रेयर, जहाँ पर लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी चीज हो, आप जो करते हो, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत लक फैक्टर आपको लगता है, लेकिन उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है और आपको उस तरीके की मेहनत भी करनी पड़ती है। तो क्विकली तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। तो उसमें थिंग्स डू टेक टाइम, आप कितने भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना लो, अच्छे प्रोडक्ट बनाने में भी टाइम लगता है, उसे मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लगता है, और फिर बाकी चीजें उसमें टाइम लगता है। बस यही है कि वो चीजें आपको पसंद आनी चाहिए, आपको चीजों में मजा आना चाहिए, और आप कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके, आपको मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू भी ऐड होनी चाहिए उस चीज में। यही कुछ पॉइंट्स है, बट इस मेंटेलिटी को बदलना तो मुश्किल है, बिकॉज दिस इज लाइक ऑलमोस्ट सब जगह चल रही है। तो इसमें तो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज टू लेट आई आई फील कि सबको समझने के लिए, सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, और इसीलिए लॉन्ग वीडियो के बजाय शॉर्ट्स चल रहे हैं, टिकटॉक चलता है, रील चलता है। तो देर इज अ लॉजिक रीजन कि टाइम स्पेंड भी लोगों का कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग बहुत बिजी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंडिया का बहुत ज्यादा है और बाकी जगह भी एक अच्छा खासा ज्यादा है, बट यही है कि मतलब फिर भी कुछ मतलब इसीलिए फिर क्या है कि जो बुक्स पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर बुक्स पढ़ना है तो तुम्हें 5-6 दिन लगेंगे, उतना पेशेंस तो है नहीं। तो बेटर है कि लोग कोई मूवी देख लेते हैं, या फिर कोई रील देख लो, या फिर टिकटॉक देख लो। तो ये तो आई थिंक एक बिहेवियरल चेंज और जनरेशनल चेंज है, और जिसे चेंज करना मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन से ही कोई कर सकता है, एंड दैट इज ओनली ऑप्शन आई थिंक। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट ये लर्निंग से है कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म फोकस, और इसका एग्जांपल हम लोग बिजनेस में भी देख सकते हैं कि किस तरीका से किंगफिशर, रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनीज शॉर्ट टर्म फोकस करके डेट लेके अपना मुनाफा बढ़ाने पे कोशिश की रादर देन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बिजनेस करके, और अल्टीमेटली किस तरीका से वो लोग बैंकरप्ट हो गई और मतलब काफी खराब सिचुएशन है। या दैट्स ट्रू, आई मीन वो तो कई सारी कंपनीज मतलब आई मीन डेट लेने के दूसरे भी रीजंस रहते हैं, बिकॉज अगर आप कुछ ऐसी एसेट हैवी बिजनेस की बात करते हो तो लोन भी लेना पड़ता है, बट कई बार कुछ स्ट्रेटेजीज गलत हो जाती हैं, कुछ चीजें गलत हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार, बिकॉज बट इन एसेट हैवी बिजनेसेस लोन तो मैक्सिमम कंपनीज को लेना ही पड़ता है, बिकॉज इतना पैसा तो किसी कंपनी के पास ऑलरेडी होता नहीं है। अगर आप टेलीकॉम कंपनीज की बात करते हो, उसे विदाउट डेट बिल्ड करने की बात करते हो, तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब रिलायंस ने भी काफी सारा डेट जियो के लिए लिया था, एयरटेल पर भी काफी सारा है, BSNL तो लॉस में चल रहे, तो गवर्नमेंट के पैसों से चल रही है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, उसमें भी डेट लगता है। तो इफ यू गो इन टू एसेट हैवी बिजनेस, वहां पर तो वो रिस्क तो होता है, बट एसेट लाइक बिजनेस में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो या दैट इज अ पॉइंट। इन सारी कंपनीज को शायद थोड़ा डेट मैनेज अच्छा से करना चाहिए था, और अक्सर जैसे कई सारी कंपनीज ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चलते फंस जाती है, वो लोग हर सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है और सोचती यहाँ भी जीत जाएंगे, वहां ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और जब वही इकोनॉमी टर्न होता है, जब कैपिटल और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इन ये लोग को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए मतलब डाइवर्सिफिकेशन में भी मतलब देर आर मेनी कंपनीज विच आर डाइवर्सिफाइड वेरी वेल। अगर हम अमेजन की बात करते हैं, तो अमेजन का ई कॉमर्स के अलावा देखिए अमेजन का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो, अमेजन का AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन ने कुछ डिवाइसेज भी अपने लॉन्च किए, उनके कई सारी अलग अलग सर्विसेज। तो डाइवर्सिफिकेशन में मतलब अगर हम बात करें, तो अमेजन जितना अपने कोर बिजनेस ई कॉमर्स से नहीं कमाते, उससे कई गुना ज्यादा AWS से कमाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट किस तरह से आप करते हैं, किस फोकस से आप करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। अगर टाटा ग्रुप की हम इंडिया में बात करें, तो टाटा ग्रुप किस चीज में नहीं है, नमक से लेके IT में है, मेटल में है, यू नेम इट। ठीक है, रिसेंटली मैं तुम्हें पानी की बोतल भी देखी टाटा की, बिस्लरी, तो उसमें भी उन्होंने एंटर किया। अभी रिसेंटली मैं पुणे गया था, तो पुणे में जो मेट्रो चल रहा है उसका प्रोजेक्ट भी टाटा प्रोजेक्ट का नाम देखा था मैंने उस पर भी। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या फिर LNT नाम आएगा या फिर जय कुमार आएगा, तो वहां पे टाटा प्रोजेक्ट, इट वॉज अगेन शॉकिंग।
हम पिछले टाइम टीम को लेके घूमने केरला गए थे, तो वहां पर भी कई सारे जो केरला प्लांट्स से प्रॉपर्टीज है दे वर ओन्ड बाय टाटा बेवरेजेस। तो ऐसी कोई मतलब इंडिया में बहुत ही कम चीजें रह गई है जिसमें टाटा की प्रेजेंस ना हो, और लगभग हर एक चीज में वो लगातार न्यू प्रेजेंस ला रहे हैं। और अभी टाटा डिजिटल भी आ गया है, जो ऐप उनका आया है, तो उन्होंने रिसेंटली बिग बास्केट और कई सारी कंपनीज को भी अक्वायर किया है, तो ग्रोसरी में भी जा रहे हैं, वन एमजी को अक्वायर किया है तो मेडिसिन में भी जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो इन टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो मतलब जैसे पेटीएम के एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेटीएम जैसे पेटीएम जितनी चीजों में रही रहेगा सिर्फ 10 गुना ज्यादा चीजों में टाटा है। बट किस तरह से आप करते हो वो मैटर करता है, किस फोकस से आप करते हो वो मैटर करता है, तो चलाने का तरीका कहीं ना कहीं मैटर करता है। बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन में मतलब एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि देखिए बिजनेसेस आर वेरी अनसर्टन, ये टाटा ग्रुप भी जानता है, ये अमेजन भी जानता है, और ये बाकी 10 बिजनेसेस भी जानते हैं।